देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बता दें मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने इस गठबंधन का ऐलान किया है। उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये अहम फैसला है। 90 में से 37 विधानसभा सीटों पर बीएसपी और आईएनएलडी बाकी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वही आकाश आनंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अभय चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है। बीजेपी ने 10 साल में देश को लूटा है तो कांग्रेस ने अपने राज्य में राज्य को लूटा है। हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस इस गठबंधन को राज्य में उतारेंगे और सरकार बनाएंगे। हालांकि बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ सकती है। बता दें राज्य में इसी साल आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनेलो मायावती के सहारे दलित वोट को साधने की कोशिश में है और हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है। हालांकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीएसपी को 1.28% वोट मिले थे, वहीं इनेलो को 1.74% ही वोट मिले थे। बता दें इस गठबंधन के ऐलान होने से पहले अभय चौटाला ने 6 जुलाई को मायावती से मुलाकात की थी। इस दौरान आकाश आनंद भी मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।